क्या राय है? देखिए, जो लोग अनजान हैं वो लोग समर्थन कर सकते हैं, लेकिन जो जानते हैं वो समर्थन नहीं कर सकते। ये ऐसी समाज का वर्गीकरण नहीं है, ये सब भारत के संविधान में इन लोगों की आस्था नहीं है, इस बात का जस्टिफिकेशन है। क्योंकि भारत देश का संविधान के अनुसार सुप्रीम कोर्ट को भी ये पावर नहीं है जो अल्ट्रा वायरस कोई भी ऐसा रूल पास कर सके। तो इस आधार पर दूसरी बात क्या है, जो लोगों के दिमाग में जो चल रहा है कि इससे इसमें वर्गीकरण जो मैटर जो चल रहा है, अगर आप देखें ये एक इनका मूवमेंट को कमज़ोर करने का कार्यक्रम है कि मूवमेंट किस प्रकार से कमज़ोर हो। जो लोग किसी प्रकार से मानसिक रूप से आगे बढ़ चुके हैं और आगे बढ़ने के बाद फिर वो लोग जो हैं मूवमेंट के लिए काम कर रहे हैं, तो उनको वहाँ से हटाया जाए। आर्टिकल 15-4, 16-4 का जो इन्होंने हवाला दिया है वो इस बात की परमिशन नहीं देता है। और दूसरी बात, इसमें जो मूल बात है जो समझानी है हमें समाज को, ये ऐसी समाज में अगर लोग ये कहें, कॉमन वर्ड यूज करें कि चमार को गैर चमार से अलग करने का कार्यक्रम है, ये ऐसा भी नहीं है। ये तो चमार को चमार से अलग करने का कार्यक्रम है, वाल्मीकि को वाल्मीकि से, उसी जाति के जो इंटेलेक्चुअल लोग जो हैं उनको उनसे अलग करने का प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम कभी इन्होंने आज से 100 साल पहले दयानंद सरस्वती जी ने ऐसा मूवमेंट छेड़ा था जब पता चली थी कि बाबा साहब जैसे लोग देश में पैदा होने लगे हैं। उन्होंने आर्य शब्द की उनको उपाधि दी। जो लोग जिस बिरादरी में आगे बढ़ गए हैं मेंटल रूप से, उनको जनेऊ पहना करके आर्य वर्ड दे करके उनको उनकी बिरादरी से अलग कर दिया गया। तो ये वहाँ से भी अलग करने का प्रोग्राम था, ये यहाँ से भी अलग करने का प्रोग्राम है। और जो लोग कहते हैं कि भाई ST समाज में मीना जाति या पश्चिमी या जो दक्षिण में महार जाति या नॉर्थ में चमार जाति, ये इसका आरक्षण छीन रही है और जातियों का, जो लोग कह रहे हैं ऐसा, तब हम मान सकते थे 1% जब बैकलॉग नहीं होता इस देश के अंदर, जब आपकी वैकेंसीज खाली हैं 15% और 7.5%, जो 22% 22.5% जो बनता है उसमें मुश्किल से 7.5% तक हम उसको फुलफिल कर पा रहे हैं। 15% कोटा अभी भी दोनों जो कैटेगरी हैं उनसे वो वहाँ पर हटा हुआ है। तो जो 15% वहाँ पर कोटा खाली है, तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि दूसरी जाति का जो फ़ायदा ये बिरादरियाँ ले रही हैं? ये इस बात का प्रयास है। जो लोग कॉम्पिटेंट हैं, जो लोग कंपटीशन बीट कर सकते हैं, जो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके आगे बढ़ा रहे हैं, थोड़ा अवेयरनेस कर रहे हैं, तो वो बच्चे जब उनके वहाँ तक नौकरी तक पहुँच रहे हैं, उनको क्रीमी लेयर के नाम पर अलग कर दिया जाए। और जिन लोगों के लिए ये लोग ये बोल रहे हैं, उन लोगों को वहाँ पर उनकी शिक्षा की कमर तोड़ करके, उनके एजुकेशन को ख़राब करके, सरकारी स्कूल की एजुकेशन ख़राब करके, पहली क्लास से लेकर 9वीं क्लास तक किसी बच्चे को फेल नहीं किया जाएगा, इनको दलिया हलवा खिचड़ी खिलाओ, इनके घर पे भेज दो, और साल के अंत में जाकर के बिना अटेंडेंस के, बिना शिक्षा के, बिना एग्जाम के आप इनको पास का सर्टिफिकेट ले जाओ। 10वीं 12वीं का बोर्ड का एग्जाम होगा तो तुम्हारे बच्चे सारे आउट हो जाएंगे। जो योग्य हैं उनको वहाँ से क्रीमी लेयर के नाम पे हटाया जा रहा है, और जो अयोग्य हैं उनको यहाँ पर कमज़ोर किया जा रहा है जिससे कि वहाँ तक वो पहुँच ही ना पाए। तो कुल मिलाकर के SC और ST के जो 22% रिजर्वेशन हैं, जो लोग बाबा साहब की महापुरुषों की मूवमेंट को गति देने के लिए काम कर रहे थे, उनको ये अलग करने का कार्यक्रम है कि ये सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति, समाज में परिवर्तन और पॉलिटिकल चेंज के बारे में ना सोच सकें, ये उनका कार्यक्रम है। सबसे अहम मुद्दा इस समय यही चल रहा है। याचिकाकर्ता हैं, उनसे भी हमारी कल बात हुई थी, कह रहे हैं कि अभी भी कुछ जातियाँ ऐसी हैं जो बिल्कुल जीरो उनका प्रतिनिधित्व है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब में भी। अगर जीरो प्रतिनिधित्व है ये बात हम मान सकते हैं, उसका जिम्मेदार ये जातियां नहीं है जिन पे एलिगेशन लगाया जा रहा है, इसके जिम्मेदार तो स्टेट है ना, इसका जिम्मेदार तो सरकार है ना, कि आपने अब तक रिप्रेजेंटेशन कैसे नहीं दे पाया। जब आपने इतनी अवेयर जातियों को वहाँ तक नहीं पहुँचने दिया तो इनको आप कैसे पहुँचने देंगे? तो इसकी जिम्मेदार सरकार है। और हम ये कह सकते थे, अगर वो पूरा कोटा भर जाता तो हम कह सकते थे कि सीट खाली नहीं है और लोग हक खा रहे हैं, जब वहाँ पे वैकेंसीज हैं तो इसका मतलब सरकार की मंशा गलत है। वाल्मीकि समाज कह रहा है कि जाट अब चमार है, इसके जिम्मेदार जो हम पीछे रह गए, यही तो उनके अंदर गलतफहमी है। इसी के लिए हम लोग इसको समझाने का प्रयास करेंगे। इन कार्यक्रमों को होने के बाद फिर हम ये प्रोग्राम चलाएंगे
कि वाल्मीकि भाइयों, अगर आपके समाज में कोई पढ़ लिख करके आगे बन गया है, अधिकारी बन गया है, वो उसको भी हटाने का प्रोग्राम है। और आप देखिए, आज सारे के सारे विभाग को प्राइवेट कर दिया, सफाई कर्मचारी को प्राइवेट कर दिया, जहां पर उस समय संविधान के अकॉर्डिंग 45,000 रुपये की नौकरी मिलने का आप अधिकारी थे, मिलती भी है, और उनको प्राइवेट सेक्टर में ला करके, ठेके पड़ता में ला करके 9,000 में उनसे भर्ती, उनसे काम करवाया जा रहा है। और अब तो ये मोदी जी ने ये नियम बनाया है कि आपको 8 घंटे जॉब करना पड़ेगा। पहले ये नियम था कि आप अपने काम को सुबह सुबह करके और उसके बाद अपने बच्चों को स्कूल भेज सकते हो। आपको इतना एरिया आपको दे दिया गया था कि इतने की आपको सफाई करनी है, कभी भी कर जाओ सुबह 4 बजे के बाद बाद। लेकिन अब क्या है, अब बोल रहे हैं मोदी जी कि आपको 8 घंटे काम करना पड़ेगा। जिस काम को लगभग 4-4 घंटे के हिसाब से काम बांट करके जिसको 30 लोग करते थे, उसको 10 लोग पूरा कर देंगे। ये इन लोगों की साजिश है। इसलिए हम वाल्मीकि समाज को भी, हम लोग इसमें जो है, हम लोग उनसे भी हम बातचीत करेंगे, और देश की SC और ST कम्युनिटी जो है, जितनी भी है, सबसे हम बातचीत करके उनको बताएंगे। इसका समर्थन कर रहा है सर, मोदी जी ने कहा था 2014 में कि सफाई कर्मी जब टैंक में उतरता है सफाई करने के लिए, तो वहाँ पे आध्यात्मिक सुख की अनुभूति होती है, सफाई कर्मी कोई पैसा नहीं है, ये उनका बयान है मोदी जी का 2014 में चुनाव। ये तो हमारे वाल्मीकि भाइयों से पूछो, मैं वाल्मीकि भाइयों के बीच में रहता हूँ, उनका हिस्सा हूँ, आप उनसे पूछो वो क्या पी करके क्या खा करके उसमें उतरते हैं, कभी उतर के दिखाएं ना मोदी जी। अगर आध्यात्मिक सुख मिलता है तो मोदी जी उसमें उतर के दिखाएं ना, अपना आध्यात्मिक सुख भोग करने के लिए तो आप लोग पहाड़ों पे जाते हो, आप गुफाओं में जाते हो, और हमारे समाज से आप कहते हो कि गटर में उतर के आध्यात्मिक सुख होता है। क्या बाबा साहब ने संविधान इसलिए बनाया था कि आप इसको आध्यात्मिक सुख बताएंगे? ये गलती, उन्होंने किताब लिखी कर्म योग, उसमें जिक्र किया गया है डोम का, वाल्मीकि का, उन्होंने कहा है बाकायदा कि ये पैसा है, इसमें आध्यात्मिक सुख मिलता है। लेकिन भारत का संविधान ये कहता है पैसा सभी बिरादरी के लोग करेंगे ना। आप जाकर के उत्तर प्रदेश का उदाहरण जाके देखिए ना, जब बहन जी ने सफाई कर्मचारी की वैकेंसी निकाली थी 1,11,000 की, तो उस समय बहन जी ने ये कहा कि अगर सभी लोग गंदगी करते हैं तो सभी को सफाई करने की भी ड्यूटी बनती है, इसलिए ओपन वैकेंसी करी। तो ओपन वैकेंसी करना, तो आप यहाँ पे आके बोलो ना कि यहाँ पे ब्राह्मण भी जा सकता है, क्षत्रिय भी जा सकता है, वैश्य भी जा सकता है, तो यहाँ के लिए तो आप ओपन वैकेंसी नहीं करते। फैसला तो आ गया, इसकी अब कोई काट है? हाँ, काट है इसकी, दो काट है। एक तो हम लोग जो है सुप्रीम कोर्ट इसको पलटे, इस पर रिव्यू पिटीशन डाली जाए, इसको सुप्रीम कोर्ट पलट सकता है, ये उसके पास में जुडिशियल पावर है। दूसरी बात, सरकार सुप्रीम कोर्ट ने बाउंड नहीं किया है सरकार को, उसको एक राइट दिया है कि आप इसको मे बी यूज कर सकते हैं, चाहे तो नहीं कर सकते हैं। तो इसमें हम जो है सरकार से भी हम लोग बातचीत यहाँ पर चलेगी, धरना प्रदर्शन हमारा यहाँ पर कल चलने वाला है, तो इससे हम लोग जी। आप कह रहे हैं कि कोर्ट जाएं, लेकिन जो कोर्ट से पहले संसद सदन में जो बैठे हैं आपके 133 दलित सांसद हैं, वो क्यों उठा रहे हैं इस मामले को? देखिए सर, वो सांसद 131 बने इसलिए हैं, उन पे पूरा बीजेपी का और कांग्रेस का इसमें जो है पूरा स्टडी है कि ये पॉलिटिकल स्टडी जब से करते आ रहे हैं भारत देश के संविधान लागू होने से अब तक, जो लोग जीतते जा रहे हैं, इतने ज्यादा फायदेमंद जनरल सीटों पर जीते हुए सांसद नहीं हो पा रहे हैं जितना इनकी पार्टी से जीते हुए सांसद हो जा रहे हैं। वरना 131 सांसद अगर अलग कर दिए जाएं तो क्या सरकार रह पाएगी? तो कहीं ना कहीं ये इतनी बुरी तरह से फंसे हुए, इतने चमचे हैं, इतनी बुरी तरह से फंसे हुए, इनको पता है कि अगर हमने ऐसा बोल दिया तो अगली बार हमारा टिकट नहीं होगा। इसीलिए बाबा साहब ने डबल वोट का अधिकार लेके आए थे, बाबा साहब को पता थी एक वोट के अधिकार के तहत अगर रिजर्वेशन का मैटर ये रहेगा तो वहाँ पे वही व्यक्ति जाकर के जीत करके जाएगा जो उनकी गुलामी कर सकता है। इसीलिए सब साहब कहाँ से हमने अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाई। मोची का बेटा, बुनकर का बेटा, वाल्मीकि का बेटा क्यों ना कलेक्टर बने, DM बने, पटवारी बने, आखिर कहाँ रुकावट है उनके कार्य में? कोई रुकावट नहीं है इसमें, सरकार की नहीं, इसमें सरकार की मंशा गलत है। वाल्मीकि समाज के लोग IS हैं, मीना समाज के लोग तो सर वो खैर ST में चल ही रहे हैं, हर एक बिरादरी का व्यक्ति IS है, हर एक बिरादरी के व्यक्ति पढ़ लिख करके आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इनको जीवन में कब तक मरेंगे सर? वो बिल्कुल बात आपकी जायज है, इनको दिक्कत इस बात से नहीं है कि ये बिरादरियाँ, इनको दिक्कत इस बात से नहीं है कि ये बिरादरियाँ वहाँ तक पहुँच गई हैं, रिप्रेजेंट कर रही हैं, इनको दिक्कत ये है कि ये बिरादरियाँ सामाजिक परिवर्तन की बात क्यों कर रही हैं, राजनीतिक परिवर्तन की बात क्यों कर रही हैं? जब इन्होंने देखा कि समाज में परिवर्तन का मूवमेंट भारत के संविधान के बनने के बाद उनके प्रेम्बल के
बाद ही शुरू हो गया था, तो तब जा कर के इनके दिमाग में अब पता चला कि जब ये साहब कांशीराम की तर्ज पर चल करके जब ये सत्ता परिवर्तन भी कर सकते हैं और ये जगह जगह बौद्ध धर्म के ये अपने वो लगा करके धर्म परिवर्तन की बात खुला कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आगे जा करके इनके लिए खतरा साबित हो सकता है। पीछे कौन लग रहा है? बीजेपी आरएसएस, पूरी बीजेपी आरएसएस के। और मैं तो इस बात का दुख है, मैं कहता भी आया हूँ कि जिन हमारे लोगों ने भी जिन 40-50 अगर देखा जाए तो 22% वोट हमारे पास पहले था उत्तर प्रदेश में, अब 9% बचा है, 60% लोगों ने जो इंडिया गठबंधन को वोट जो कास्ट किया है, अब आप देखिए उन्हीं लोगों को क्रीम लेयर के नाम पे इन्होंने आउट किया है, जो मैं जो समझदार लोग थे, पढ़े लिखे बाम सेब के लोग थे, आज चाहे आपके ये गांधी क्या नाम है लड़के का, राहुल गांधी हो और चाहे ये क्या दूसरा जो अखिलेश यादव हो, आज कोई भी तुमको इस फैसले में दिखाई नहीं दे रहा। बहन जी का वोट इतना कम हो जाने के बावजूद भी आज बहन जी अपने उस फैसले को लेकर के बैठी हुई है समाज के साथ। सात जजों में से सर एक गवाही भी हैं जो आपके समाज से आते हैं, वो ऐसे ही गवाही हैं जैसे तुम्हारे ये 131 सांसदों में से गाना गाने वाले उनकी ताल में ताल मिलाने वाले गवाही गाने वाले गवाही हैं, वो मुझे लगता है वो गवाही वैसे हैं जो गाना गाते उनके लिए, जो उनकी उसमें बैठ करके जो वो बजाते थे मंडल, जो राज घराने में जाकर के जो वो करते थे हारमोनिया गाना, वो मामला है। लेकिन सर, आप लोग कह रहे हैं कि हमें बांटने की कोशिश है, फैसला कोई आज का मामला आज का नहीं है, 1975 से चल रहा सर, सबसे पहले 1975 में पंजाब हरियाणा जी जी जी, तो ये कोई आज का मामला तो है नहीं सर। देखिए ये बात उनके लिए नजीर बनती है, ये बात पुरानी है, और आपने 2004 में पंजाब में भी करके दिखाया, 25% आपने रिजर्वेशन वाल्मीकि समाज के लिए दिया, मजहबी सिख वाल्मीकि सिख एक ही बात है, अलग अलग नहीं है, उनके लिए आपने दिया 25%, 12.5% 25% में से 12.5% 50% आपने उनको रिजर्व किया, लेकिन उनकी स्थिति क्या है, वो आज भी वहीं की वहीं है, वो वहाँ पर पहुँचे नहीं है। इसका मतलब आपकी इस हिस्से को बांट बांट करके एक एक बिरादरी को अलग अलग करके उसके बाद आपकी मंशा उस बिरादरी को ऊपर तक पहुँचाने की नहीं है, बल्कि आरक्षण नाम के चैप्टर को ख़त्म करने की है उन लोगों की। सर 2004 का फैसला उसको पलटा गया है जी जी, तो अब क्या कोई बड़ी बेंच की तरफ आप लोग जाओगे? हाँ, हमारे वकील साथी जो हैं वो अपील के लिए लगे हुए हैं और हमारे जगह जगह धरना प्रदर्शन चल रहे हैं, बात लोगों तक पहुंच रही है और उम्मीद है कि सरकार को घुटनों पे आना पड़ेगा और एक दिन नरेंद्र मोदी जी पार्लियामेंट में बैठ करके या कहीं पर भी खड़े होकर के इस बात को कहेंगे कि हम सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को स्वीकार नहीं करते हैं, हमारा आरक्षण बराबर कंटिन्यू पहले की तरह जारी रहेगा। जब तक नरेंद्र मोदी जी इस बात को नहीं कहेंगे, सरकार इस बात को नहीं मानेगी, हमारा आंदोलन लगातार चलता रहेगा। लेकिन जयप्रकाश जी सर, जो दलित इंटेलेक्चुअल हैं वो जज साहब को निशाने पर ले लें, सातों जजों को, आप पे कोर्ट ऑफ कंटेंप्ट भी हो सकता है? देखिए कोर्ट ऑफ कंटेंप्ट तब बन सकता है, हम तो देखा जाए तो हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम लोग तो सरकार से बोल रहे हैं कि आपको ये आदेश नहीं मानना है, और ये सरकार के पास पावर है कि वो माने या ना माने, और हमारा नागरिक होने के नाते ये हमारा अधिकार है सरकार से अपनी बात कहना, तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है। कह रहे हैं कि काम आसान कर दिया सरकार का इन जजों ने। हाँ वो तो मिली भगत है ना, लेकिन वो तो आपने जाकर के फैसला दे दिया कोर्ट में, लेकिन पब्लिक में तो बीजेपी चलेगी ना, कांग्रेस चलेगी, समाजवादी चलेगी, आम आदमी पार्टी चलेगी, तो इसीलिए हम इनके ऊपर प्रेशर बनाएंगे कि आप इस आरक्षण को ज्यों का त्यों चलने दें, हमारी बिरादरियों में फूट ना डालें, हम एक हैं, और हम अगर वो नहीं मानते हैं तो हम तब तक इस समाज को तैयार करते रहेंगे। आप कह रहे फूट ना डालें, जिन्हें आप अपना छोटा भाई बताते हैं, छोटा नहीं बड़े भाई। वो बगावत पे आ गए हैं सर, देखिए वो उनकी जानकारी का अभाव है, जानकारी की ऐसे तो कितने लोग हैं, हम लोग समझाते रह गए, लेकिन हमारे समाज के लोग भी वहाँ जा कर के खुशी मनाते हैं, दूसरी पार्टियों में जा कर के उनकी गुलाम पार्टियों में जा अपने वहाँ जा कर गुलामी करते हैं, तो वो हमारी जानकारी का अभाव है, लैक ऑफ नॉलेज है, इसलिए हम उन लोगों को भी समझाएंगे, हमारी इस पर काम जारी है। थैंक यू सर। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और न्यूज़ 23 लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शुक्रिया। देखते रहें न्यूज़ 22 लाइव सदैव आपके साथ।